आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मामला जो बनी से सामने आ रहा है, मीनाक्षी देवी करके जिनकी उम्र जो है 36 साल थी, जिनकी शादी जो है बनी में हुई थी और जो कि बदरवा के रहने वाली थी, उनकी हाल ही में जो है मृत्यु जो है हो चुकी है। और मृत्यु का कारण क्या है, जब हमने उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, इनका साफ साफ कहना है कि उनको जो है मारा गया है। और जब हमने पुलिस स्टेशन बनी जो वहाँ के SHO हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि यह आत्महत्या जो है की गई है। लेकिन अभी कार्रवाई जो है चल ही रही है, कार्रवाई जो है अभी शुरू हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जब हम उनके परिवार वालों से बात की, परिवार वाले जो है साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनकी जान जो है ली गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है हमारी बात उनसे हुई नहीं थी। लेकिन जब हम मौके पर भी गए तो बहुत कुछ वहाँ पर हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे उनके जो ब्रदर हैं उनसे पहले बात करें, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो मामला पेश आया है मीनाक्षी देवी का क्या कुछ कह रहा है इनका है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो वारदात अभी पेश आई है, क्योंकि 26 तारीख का जो है वाका है, 26 तारीख को जब आपको ये खबर सुनी तो उस वक्त थोड़ा बताएं, सबसे पहले रिएक्शन क्या था आपका और क्या कुछ आपने सुना था? सर, हमें पहले शाम को कॉल आई थी उनकी उधर से, जो हमारे जीजा थे उन्होंने कॉल की, तो वो बोल रहे थे कि आपकी दीदी गायब हो गए कहीं, 1 बजे से तो हमारा कॉल नहीं उठा रही हैं, तो आप कोशिश करो शायद आपको उठा लें। सर, जब हमने भी 8-10 कॉलें की तो नहीं उठाया उन्होंने फ़ोन हमारा। फिर कोई आधे घंटे के बाद उन्होंने फिर से कॉल किया हमें कि जी वो उनकी डेथ हो गई, उसने सुसाइड किया। तो दूसरे दिन हम फिर जब सुबह वहाँ पहुँचे, तब तक पोस्टमार्टम हो गया था, पुलिस भी वहाँ पे पहुँची हुई थी। कहाँ पे उनकी शादी हुई थी, थोड़ा वो आप पूरा बताएं डिटेल पे। बनी में ऊपर गत्ती जगह है नाम, जहाँ पे वो स्थिति गत्ती है, वहाँ पे गाँव में एक छोटा सा शैली नाम है उस गाँव का, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी। कितना टाइम हुआ था उनकी शादी में? उनकी शादी को 16 साल कम से कम हो गया। जी जी, तो 16 साल में क्या लगा आपको कि परिवार के आपस के जो रिलेशन है वो कैसे ठीक है? ठीक तो नहीं थे सर, रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे उनके, लेकिन हमारी बहन जो थी ना बिल्कुल मासूम थी, वो बोल ही नहीं पाती थी हमसे कुछ। क्या बात, उनको धमकाया जा रहा था, उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि वो हमसे भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। सर, तो जब आपने सुना, जब आपको फ़ोन आया, तो उसके बाद आप कितनी देर में यहाँ से भद्रवा से जो है बनी तक पहुँचे आप? सर, यहाँ से कम 5-6 घंटे का रास्ता है यहाँ से बनी के लिए। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे थे तब तक उनका पोस्टमार्टम हो गया था, सब कुछ ओके था। जब वापस हमने वहाँ पहुँचे तो दस्ती उन्होंने मतलब क्रियाकर्म की शुरुआत कर दी। जैसे नीचे हमने फिर से उनका चेहरा देखा तो आँखों में उनके कीड़े थे, नाक से भी कीड़े आ रहे थे। अब ये तो नहीं हो सकता कुछ चंद घंटों में आज ठंड के टाइम पे कीड़े लग जाएं। सर, ये कुछ प्लान मर्डर है सर, हमें तो यही लग रहा है सब परिवार वालों को। और पुलिस का भी कुछ काम ही नहीं कर रही है सर, 9 दिन हो गए। पुलिस वालों से हम बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हाँ जी जब फ्री हो गए तो तब आना। ये कौन सा बात हुई सर? कब का ये था, किस डेट को आप यहाँ से जो है बन गए? 26 को शाम को हमें पता चला था, 27 को हम यहाँ से निकले थे। 27 के दिन ही हमें वो उनका अंतिम संस्कार कर दिया, तो 28 को हमने थाने में वो अपनी जो स्टेटमेंट थी वो दे दी थी वहाँ पे। जी, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ हम गए हुए थे, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ झोल जो है वहाँ पर आपको लगता है, क्योंकि अब लगभग 26 से लेके आज जो है काफ़ी दिन 8-9 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है 9 दिन में इस पर कार्रवाई नहीं हुई? और जब आप वहाँ पर गए थे आपको कुछ लगा, कुछ डिफरेंट सा लगा आपको कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है? सर, अब फैमिली सबकी होती है, हमारी सिस्टर की अगर डेथ हुई थी तो उनकी भी तो आखिर वो बेटी थी, उनके कोई रिएक्शन वैसे नहीं थे कि हाँ जी हमारे घर में डेथ हुई है कुछ। हमसे तो उन्होंने बात नहीं की, जब लड़की के माँ बाप भाई वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तो दूर से बात भी नहीं की सर हमसे, कुछ नहीं बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको जैसे पता नहीं है कि यहाँ पर डेथ हुई है। तो ऐसा केस वहाँ पर चल रहा है? ऐसा केस चल रहा था। तो क्या लगता है आपको कि जो आपने वो जगह देखी यहाँ पर, चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर हो, क्या आपने वो जगह देखी, आपने उसके बाद थोड़ा सोचने की कोशिश की कि आखिर कैसे हुआ, क्या कुछ कारण हुआ होगा, क्योंकि 16 साल से ज़्यादा जो है शादी को भी उनके जो हो चुका था, तो क्या लगता है आपको कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? जी, वो बात तो हमने सीधा मतलब हम तो फिर सीधा थाने में गए, जब हमने फैमिली के वो रिएक्शन देखे, वो जब वो किसी बात पे बात ही नहीं करना चाहते थे, तो हमने फिर SHO साहब बनी से उनके पास जाके हमने अपनी पूरी स्टेटमेंट दी थी कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाओ तो हम FIR करवा देंगे। लेकिन सर, आज तक हमें ना फैमिली वालों से कोई कॉल आई है ना पुलिस वालों से। अभी जब उनके साथ बात हुई तो वो बोल रहे हैं हाँ जी जब फ्री हो गए तब आना।
मतलब क्या फ्री कब हो गया वो, क्या मतलब? वही तो मुझे समझ नहीं आ रही, हम फ्री कैसे हैं? हम तो तब से वेट कर रहे हैं कि वो हमें बुला क्यों नहीं रहे, या उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है अगर ये सुसाइड क्यों है, क्यों किया अगर होगा भी तो क्यों किया? अब क्या कह रहे हैं आपको पुलिस वाला? अब केस आपका कहाँ पहुँचा? कुछ नहीं, हाँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, कार्रवाई चल रही है। तो क्या चल रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो आपको भी बताता चलूँ कि हमने भी वो फ़ोटोज़ देखे, हमने भी वो जो है उनकी फ़ोटोज़ में जो है लाश देखी, लेकिन कहीं ना कहीं कीड़े पड़े हुए थे, काफ़ी कुछ हमें भी दिखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी खामोश है। काफ़ी टाइम हुआ पुलिस भी खामोश है, क्योंकि हमने जब पुलिस स्टेशन बनी फ़ोन किया, SHO बनी से बात करने की कोशिश की, उनका तो साफ साफ कहना है कि केस अभी जो है शुरू हुआ है, यानी 9 दिन हो चुके हैं लेकिन केस अभी शुरू हुआ है, अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं थी। और उसके अलावा जिस तरह फैमिली से हम बात कर रहे हैं, उनका साफ साफ यही कहना है कि खास उनके जो आपस के जो ताल्लुकात थे वो सही नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ तो था। और उसके बाद उनका साफ साफ यही कहना है कि हम वहाँ गए, लेकिन उनकी जो फैमिली वहाँ की थी जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, उनने भी हमसे अच्छे से बात नहीं की। हमारे जाने के बाद सीधे पोस्टमार्टम करने के बाद सीधे जो है क्रियाक्रम लास्ट पे उनका जो है कर लिया, लेकिन सवाल बीच में यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर परिवार का इंतज़ार बीच में क्यों नहीं किया गया, परिवार के लिए क्यों वो रुके नहीं, और क्यों परिवार के आते ही जो है आखिरी क्षण में जो है उनका जो है ये अक्रम वहाँ पर किया गया। तो अब कोशिश करेंगे पहले इनकी मदर से भी बात करें, क्योंकि माँ ही होती है जिससे अपनी बेटी जो है अच्छे तरीके से बात कर पाती है, तो थोड़ा इनसे भी बातचीत करें। आंटी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो बेटी थी उनसे आपसे आखिरी बात कब हुई थी पहले? थोड़ा जोर से बताया। दो दिन पहले। हाँ। तो क्या कह रही थी बेटी आप? कुछ नहीं बोल, खुश थी कि नहीं? ऐसे किस मासूम थी, बुलाई ऐ थी, कोई नजोर खेद तेरी बुरी भी नहीं पाते, दूर रखू पता लगता मैं इंसान के थी, तो कौन लोग मां कौन रात क्या ना, तो मैं घास ला रही बांधे ना सीधी जो बस आतरी गलबात भी नहीं बोल रही थी। लगता था आपको, क्योंकि माँ जो है अच्छे से जानती है बेटी का दर्द, क्या लगा था आपको कि कुछ तकलीफ में है, कुछ भी दिक्कत है मेरी बेटी को वहाँ पर? तकलीफ तो बड़ी थी, 10 बजे जो आती नहीं आती थे कौन जो नहीं पूछता थी आज कौन बहुत है तो इन्हें जो कुछ भी नहीं दे, कुछ नहीं दे, कुछ नहीं दे, आसन से नहीं जोर कुछ तो। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ होगा वहाँ पर? बस तो मारी तनी मारो इधर आखोरी कोशिश छुपे तो तैठ बार आखोरी टंग कौन जो मन कौन बोर अस बुलाए दे तन बेनी दे नहीं मारो रही था। बस आपको लग रहा है कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हो रही, इस पे क्या कहना चाहोगे? बस कह रहा कार्रवाई तन डापा तन मारा तन किस कह रहा तन। तो आपका साथ कोई दे रहा है, पुलिस दे रही है या उसके परिवार वाले? पुलिस नहीं दे रही है, वो पैसे खा रही है साले। तन पैसे लेने खाने पैसे खो रहे हैं नहीं तो बच्चों टंगो रो कुछ मैर तो नहीं तो बेलन जो फांसी दी तोरी तस नहीं दी तोरी फांसी दी नहीं मारो रही तन नहीं मारो रही पता नहीं शेखा मारी गई मुंशे मारी गई नहीं मारी तन नहीं मारी। बस तो उनके जाने के बाद जो आपके दामाद थे उनने आपसे बात करने की कोशिश की? ना बिल्कुल नहीं, तनी कोई गल नहीं की हो रही है। कितने बच्चे उनके? कितने बच्चे? 4 बच्चे। उसके बाद उनके जो पति थे उनने आपसे बात करने, क्योंकि वो आपके दामाद थे, आपसे बात करने की कोशिश की? ना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। ना आखिर क्यों? पता नहीं, कोई पता नहीं आते तनी कुछ रियासन से कोई भी। तो आप देख सकते हैं क्या क्या कुछ उनकी माँ का कहना था, एक बेटी का दर्द जो है माँ ही समझ पाती है। उनके पापा भी यहाँ पर है, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने सुना तब कैसा जो है लगा आपको, क्या कुछ बीती तब आप पे? सर, मेरा नाम भूषण लाल है, मीनाक्षी देवी मेरी लड़की थी, तो 2007 में शादी हुई थी, 4 बच्चे थे, ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ सालों के बाद थोड़ा सा सुनने में आया कि सास बहुत लड़ती है, उसको टॉर्चर करती है सास, और जो सब उसका खुद ही घरवाला था उसका, तो वो भी उसको मतलब नहीं समझता कि ये मेरी बीवी है, उसको मारता था पीटता था। 2 बार वो लड़की पहले भी भागी थी। तो ये जो आज का वाक्या हुआ,
ये जब 26 तारीख को वो गायब हो गई घर से, तो उस हमारे दामाद ने फ़ोन किया मेरे लड़के को कि यार तेरी बहन गुम हो गई है। तो इसने सोचा कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, बहन गुम हो गई कहाँ हो गई है। इन्हें कहा सच बोल गया तो क्या बोल रहा था, नहीं नहीं फ़ोन नहीं उठा रही और कुछ नहीं, इधर ही होगी कहीं। तो जब हमें पता चला बाद में फ़ोन हुआ कि उसी दामाद को मेरी बहू ने फ़ोन किया इधर से कि आपने ढूंढी नहीं मिली कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही है वो, और मैंने खुद फ़ोन किया उसको वो भी नहीं उठाया। तो वो जो उसका घरवाला था उसने खुद फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आपने किसी दोस्त के पास फ़ोन दिया, उस दोस्त ने उधर से बोला कि वो लड़की आपकी मर चुकी है, उसने अपने आप को फांसी दी है। फिर तो हम परेशान हो गए, हमने बड़ी मुश्किल से रात काटी। दामाद ने आपसे बात नहीं की? ना 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 ना, 26 तारीख की ये बात है, तो 27 को हम यहाँ से गए, तब तक उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह, पुलिस पहुँची थी वहाँ पर, पोस्टमार्टम करके वो वापस घर में लाई थी। जब हम गए तो हम सीधा डेड बॉडी पर गए, ये बात है। तो जब पोस्टमार्टम आपने देखा, पोस्टमार्टम में क्या था? पोस्टमार्टम में जब मैंने पुलिस वालों से पूछा, सच से पूछा कि जनाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, कहता आई है। मैंने बोला क्या हुआ है उसमें, कहता उसमें सुसाइड है और कुछ नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि आपने कार्रवाई की वहाँ पर, देखा जगह पर, देखा कुछ था नहीं था, आपने बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने सीधा पूछा कि अच्छा साहब उसमें पोस्टमार्टम में क्या था, कहते यह सोसाइटी थी और कुछ नहीं है। तो असली बात यह है कि आज 8-9 दिन हो गए तो कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उधर से हम आए हैं तो वो पुलिस वाले वहाँ से बोल रहे थे कि हम आपको बुलाएंगे तो आप आ जाना, लेकिन आज तक ना उनका कोई फ़ोन आया ना कोई कुछ। इधर से लड़कियों ने फ़ोन किया तो आज भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो जाओगे, हम कौन से फांसी लगे तो फ्री हो जाएंगे फांसी से, तो फिर हम जाएंगे बनी। तो उसके अलावा उनके परिवार वालों का कोई फ़ोन आया आपको? ना 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 ना, वो तो उन्होंने तब बात नहीं की जब हम उनके घर में डेथ हुई थी, तब बात नहीं की। एक बात की थी उसके ससुर ने कि चलो जी आप सारे ऊपर से नीचे आए, ऊपर नहीं चलना। मैंने बोला आग लगानी उधर, हमने क्या करना जाकर, हमारी लड़की थी वो तो मर गई, इतनी बात हुई थी। आपने पूछने की उनसे कोशिश नहीं की हुआ क्या, आखिर झगड़ा था कुछ था, आपने कुछ पूछने की किसी ने भी कोशिश की? ये हमने नहीं पूछा उस वक्त, लेकिन सुनने में आया कि वो कहते खुद ही मर गई जी, गायब हो गई थी, घास काटने गई थी। कितना दूर आपको क्या लगता है कितना दूर गई होगी घास काटने? वो था जी कोई आधा किलोमीटर भी नहीं था, नीचे थे उनकी गुआड़ी, तो उधर होता था माल शाल, तो उधर से गई गुआड़ी में। तो ये सुना हमने कि हाँ जी ये दोनों जेठानी और ये लड़की गई, उसकी जेठानी साथ में गई, उन्होंने सारा माल अंदर से खोला, फिर उसने जेठानी भी साथ गई थी। उसने बोला कि जेठानी को कि दीदी तू जा माल के साथ, मैं घास काटूंगी। तो वो मतलब हमने जो सुना यही सुना, तो उसी वक्त से गायब थी। 10-11 का टाइम था कि कितने का टाइम था? सुबह से तो उनको मिली है वो रात को 11 बजे। परिवार वालों ने उसके बाद कहीं ढूंढने की कोशिश की, कुछ पता किया? बाद में जब रात होने लगी तो फिर वो फ़ोन वगैरह जो आने जाने लगे थे, हाँ जी हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं मक्की में ढूंढ रहे, कहीं कहाँ ढूंढ रहे, फिर कहीं वो लड़की हुई नजर आई, वो भी किसी बाहर वाले, वो भी कहते हैं कोई उधर का कोई गुजर था बेचारा। फिर उसने फ़ोन किया उसके लड़की के जेठ को, फिर कोई कहता कि नहीं ये लड़की के जेठ को ही मिली, फिर उसने उस गुजर को फ़ोन किया कि जल्दी हमारे घर में आ, हमें हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। तो आपने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की अगर फांसी भी दी है तो कैसे दी है, पेड़ की कितनी हाइट थी, क्या था, रस्सी कहाँ से लाई या किस चीज़ से रस्सी दी, किसी ने वो पूछने की कोशिश की? ना, उनका मतलब था कि दुपट्टे से फांसी दी है, दुपट्टे से। हाँ ठीक, तो उसके बाद अब क्या चाहते हैं आप, अब क्या किया आपने? अब यही चाहते हैं हम कि मतलब ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है ना कोई कुछ, हमें तो इंसाफ चाहिए, कम से कम उनको पकड़ो, ढूंढो, लाओ थाने में बंद करो, जो कुछ निकलेगा उनके ही मुँह से निकलेगा जब तक ना पुलिस कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो आप मानते हैं कि मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है क्योंकि इसकी सास जो है बड़ी सख्त थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, टॉर्चर करती थी, घर के छोटे छोटे कामों पर भी उसको पीटती थी, छोटे छोटे काम जो थे। एक दिन सुनने में आया उसे दूध गिर गया तो उसको बहुत पीटा। अब ऐसे जैसे काम तो घर में होते रहते हैं। तब चाहते क्या हो आप? इंसाफ चाहिए सर, हमें पुलिस से कहना चाहूँगा कि वो अपनी कार्रवाई करें।
हम सारी उम्मीदें लगा के बैठे हों उनके पास, अगर वही काम नहीं करेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे हम। तो आपने देख लिया कि ये मीनाक्षी देवी का परिवार है, इनके भाई हैं, माता पिता यहाँ पर थे, जिनका साफ साफ यही कहना है कि कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी, और बात जब हुई थी 2 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद अचानक जो हमारे सुनने में आया कि उसकी जो है जान चली गई, उसने जो है फांसी दी है। लेकिन परिवार वालों को अभी भी इस चीज़ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी, इनको पता था कि स्ट्रांग है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन जब उनने पुलिस से बात की तो पुलिस का भी कहना यही है कि हाँ जी फांसी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को अच्छे से देखा नहीं गया। और साफ साफ इनका ये कहना है कि उनके जो परिवार वाले, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, जो उनके पति थे, उनसे भी इनकी बात जो है अच्छे तरीके से नहीं हुई, ना ही उनने इनसे बात की। उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं भरोसा जो है एक दूसरे को दिया जाता है, भरोसा जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का लिया जाता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है रहा जाता है, लेकिन ना ही इनको उस तरह से पूछा गया, ना ही इस तरह से बात की। और आज जो है 9वां दिन है, उनकी तरफ से आज भी कोई फ़ोन नहीं है, आज भी कोई पूछताछ नहीं है, क्योंकि इनकी जो बेटी थी, उनके बच्चे भी थे आगे, मतलब बहुत कुछ था, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं है। और उसके अलावा खास तौर पे बात करें बनी पुलिस स्टेशन की, जो वहाँ के SHO हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई, उनका भी कहना है कि केस जो है अभी स्टार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं शर्मनाक बात जो है पुलिस के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह पुलिस का दावा होना चाहिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस तरह अभी हमारी उनसे बात हुई, उनका जो कुछ कहना था कि हम जी मसल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह उन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि केस में थोड़ा बहुत जो है ट्विस्ट है। हम चाहते हैं कि उम्मीदें जो है पुलिस से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, कि इस सब पर कार्रवाई की जाए। परिवार जो इंसाफ की गुहार लगाए बैठा है काफ़ी दिनों से, वो चाहता है कि उसके उनको जो है हक मिले, उनको जो है इंसाफ मिले, उनको जो है जो हुआ है उसकी सच्चाई का जो है पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को जो है दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनकी बात जो है नहीं सुनी जा रही, कहीं ना कहीं हमारे सामने जब SHO साहब से इन्होंने बात की, उनका कहना है अब आपको जब मर्जी तब आप थाने आ जाए, लेकिन जिस तरह एक SHO का काम है, जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस काम करती है, लग नहीं रहा था कि SHO कहीं ना कहीं इनकी साइड जो है ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके पक्ष में, वो नहीं चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे SHO वहाँ के जो है SHO बनी जो भी है, और ख़ासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस केस को देखा जाए, इस केस को देखा जाए, क्योंकि जान का मसला है, एक लड़की का मसला है, एक लड़की की जान मृत्यु जो है हुई है, और काफ़ी कुछ उम्मीदें आज भी परिवार लगा रहा है, 9 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन हम भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उम्मीद करते हैं, खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, कि इस चीज़ को देखी जाए, जो मृत्यु जो है आजकल हो रही है, सब केसों को जो है खास तौर पर देखा जाए, और कहीं ना कहीं जो बनी का मामला जो है आज सामने आया है, एक परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाए बैठा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को चाहिए कि इन पे भी कार्रवाई की जाए, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पे भी कमर कसी जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं सुस्त है। उम्मीद और तवक्का रहेगी कि परिवार की जो उम्मीदें हैं वो जो है इस पे खड़े उतरेंगे, और इनको जो है इंसाफ दिया जाएगा।